What? मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया है जी जो मुझे आप अरेस्ट कर रही हैं? मम्मी जी, हम सबको थारी असलियत का पता लग गया गोपी। क्या पता चल गया है जी? यही कि तू चोर है। मैं सोच भी नहीं सकता था गोपी के तू ऐसा करेगा। मैडम, इसीलिए ये नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहता था। हम समझ गए, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं आए उस रात को। अब समझ में आ रहा है क्यों किया तेने ये सब? बोल। मम्मी जी, अब जब आप सबको ये पता चल ही गया है तो बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए। अबे तैने माफ कर दूं हैं? तैने माफ कर दूं तो उसका क्या करूं? उस औरत का जिसकी तैने चोरी करी है। कानून सबके लिए एक है गोपी। बुलबुले डाल इसे अंदर। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो जी। अबे तू क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? डाल इसे अंदर। अबे तुझसे कह रहे जा, डाल उसको अंदर। My friend. हमें पहले से ही शक था ये बुढ़ाव कुछ गड़बड़ आदमी है। क्या करे, काम करता था, बता नहीं सके, लेकिन शौक तो था। अब चोरी किए तो अंदर तो जाएगा ना। गुलगुले पानी देना थोड़ा सा। अरे चुप। अरे अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे कौन कहाँ है? अच्छा अच्छा, वो चोर। हुई 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 हुई। अरे उस चोर का क्या, मैं करौंदे का अचार डालूंगा? वो कहा है, हमारी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ 10 तोले का हार 1000 बार समझाया है। सॉरी, लुट गई ललिता ललितपुर में। भैया जैसे ही आप लोगों का फोन आया ना, मैं तो खुशी के मारे पूरा मेकअप भी नहीं कर पाई। ये देखो, नेल पेंट भी नहीं लगाया, बस ये झुमके पहने ये हार और भागी चली आई। लुट गई ललिता ललितपुर में। अरे एक बात तो बताओ, वो चोर है कौन जिसने हमारी ललिता को और न जाने कितनों की ललिताओं को लूटा है, 1000 बार समझाया है? वो चोर कौन है? सब छोड़िए, आपको सिर्फ ये बात से खुश होना चाहिए कि चोर पकड़ा गया और आपका हार आपको मिल जाएगा, समझे? अरे खुशी खुशी तो भैया इतनी हो रही है कि पूछो मत। खुशी के मारे मन में लड्डू फूट रहे हैं कि लुट गई ललिता ललितपुर में। अरे मन में लड्डू फूट रहे हैं उससे हमारा क्या फायदा? मतलब वो तो मन में ही रह गए ना। अब लड्डू है तो जरा हमें भी खिलाइए लड्डू वड्डू। मतलब इतनी खुशी की, सर खुशी की बात है सर, लड्डू तो बनते हैं। देखिए एक काम कीजिए, यहाँ बाहर वो झल्लू की दुकान है, वहाँ जाइए, मोती चूर के असली घी के लड्डू बनते हैं, वहाँ पे 2 किलो लेकर आ जाइए, जाइए। अरे लड्डू भी खिलाएंगे और पेड़े भी, उससे पहले हमारे जेवरों के दर्शन तो करा दो, है 1000 बार समझाया है। अरे अरे, ये आपके हवालात के अंदर आप ही का हवलदार क्या कर रहा है? अब हमने कहा ना तुमसे कोई लेना देना नहीं हवालात में, कौन है कौन नहीं है, समझे? वो हमारा लुकआउट है, हम देखेंगे, हम सोचेंगे। नहीं लेकिन मतलब हवालात के अंदर तो चोर होता है ना, तो फिर ये हवलदार अंदर, मतलब ये क्यों? तो काम करते हैं, हवलदार को बाहर निकालते हैं, आप दोनों को बंद करते। चलो बंद करो बहन को। नहीं भैया, इनके कहने का ये मतलब है कि पुलिस वाले तो जेल के बाहर अच्छे लगते हैं, जेल के अंदर नहीं, है ना? लुट गई ललिता ललितपुर में है। अरे तो यार देखो, वो चोर है ना जिसे हमने पकड़ा है, अब उस चोर को हम इस जेल में डालने वाले हैं। तो गोपी बस अंदर जेल में गया है चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, क्योंकि चोर उसमें आने वाला है ना। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। आप जरा हमारे जो वो जेवर है वो तो दिखाइए। वो भी चोर ने अब तक बताया नहीं है कहाँ है। क्या जेवर अभी मिले नहीं और आप हमें यूं ही यहाँ बुला लिए? अरे 1000 बार समझाया। सॉरी।
अबे हमें लगा था कि जब तक आप लोग आएंगे चोर बता देगा, अब नहीं बताया तो क्या करें? फौज तो नहीं कर सकते ना किसी को, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फौज तो नहीं कर सकते। तो आप लोग जाइए, कल आ जाइए, हम बता देंगे कब आना है, तब तक चोर बता देगा। चलो निकलो, चलो कल चल। हजार बार समझाया, हजार बार सॉरी बोल तो दिया। गुड़गुड़े, एवरीथिंग इज सेफ। गोपी देख, अभी भी टाइम है, बता दे जेवर कहाँ है। देख तू मेरा दोस्त है, इसलिए थर्ड डिग्री यूज नहीं कर रहा हूं मैं तुझ पे, हां बता दे। अरे यार गुड़गुले, तू तो मुझे जानता है ना यार, मैं किसी जेवर के बारे में नहीं जानता हूं यार, कितनी बार कह चुका मैं नहीं जानता हूं, ना ही मुझे किसी चोरी के बारे में पता है, मैंने वो चोरी नहीं की है यार। नहीं बताएगा है? नहीं बताएगा। फोर्थ डिग्री टॉर्चर यूज करेंगे तुझ पर, फोर्थ डिग्री। सर आप चाहे मुझे फिफ्थ डिग्री दे दीजिए, फिर भी मैं यही कहूंगा मैंने चोरी नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। अब हमें फोर्थ भी नहीं पता है क्या है, तो फिफ्थ क्या करेंगे? हमें नहीं पता, लेकिन हम बहुत भड़क जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे तुम पर। बता दे, नहीं बताएगा ठीक है, मैं छोटा लाएगी उनको बता देना, हम तुमसे बात ही नहीं करते। जा मैडम देख लेगी तुझे। सिर्फ पानी, ये कोई पानी पीने का टाइम है? बालक, चाइल्ड, मम्मी इज हियर, मॉम। यार देख ऐसा है कि हमारी धारे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तू मन ने मजबूर ना कर कि मैं जो है भूल जाऊं थारे साथ जो है हमने कई साल काम करा है, तैने कानून की सेवा करी है, वी हैव बीन कोलीग्स। ऐसा यार फिर तू मन ने जानता है मैं बिल्कुल अच्छी ना हूं, मैं वेरी बैड एस पर्सन है। मॉम आई एम नॉट दैट थीफ इज द, हवा लात में हो रही है बहुत तकलीफ इज द। तकलीफ अभी हुई ना है बेटा, तकलीफ होगी, चुपचाप बता ले हैं कहां रखे हैं जेवर, तैने खुद जो है कबूल कराया कि तैने चोरी करी है। यस इज़दा, इसलिए तो गया हूं फंस इज़दा। अरे मैडम मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन गोपी ने मुझसे 50,000 रुपए उधार मांगे थे। 50,000 उधार? क्यों बे? हाँ मैडम क्यों, मैंने भी यही सवाल पूछा क्यों, लेकिन ये बात को टाल गया, फिर बताया ही नहीं मुझे। कह रही एक बार मैं ताश की बाजी लगाई थी, उसमें मैं 50,000 हार गया था जी। इन्हीं घिनौनी छिछोरी हरकतों की वजह से आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि चोरी जैसा घटिया काम कर लिया तैने पुलिस वाले ने। मॉम मैं मानता हूँ मैंने चोरी की है, पर मैंने जेवर की चोरी नहीं की जी, मैंने पापड़ की चोरी की है। जो ऊपर पड़ेगा यह सब फालतू बात कर रहा है, सच बोल। मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी प्लीज। मुझे लगा जी आप लोगों को पता चल गया है कि मैंने अपनी पड़ोसन की छत से कूदकर उसकी रसोई में जाके जी पापड़ चुराए हैं, इसलिए आप लोगों ने मुझे अरेस्ट किया है। तू बावड़ा है क्या कह रहा है? हाँ मॉम मैं सच कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है जी, मैं बताता हूँ जी आपको, पूरी अच्छे से बताता हूँ। क्या है ना जी, जब जैसी शाम हो जाती है ना जी, फिर मेरा ना दो टकाने को दिल करता है जी, फिर मेरा दिल करता है मैं कोई करारी चीज खाऊं, मतलब करारी चीज खाऊं। क्या है ना जी, मेरी जो पड़ोसन है ना जी, वो पापड़ बहुत अच्छे बनाती है जी। बस जी मैं उसकी छत से कूद कर ना जी उसकी रसोई में गया, और मैं पापड़ चुराने गया था जी, आप लोगों को लगा जी मैं जेवर चुराने गया हूँ। गोपी तू चाहता है कि मैडम तेरी इस बात पर यकीन करें? हाँ यार मैं कहता हूँ आप लोग यकीन करो। गुलगुले मेरे दोस्त, तू तो इतने सालों से जानता है मुझे यार, मैं औरतों को जेवर गिफ्ट करता हूँ, जेवर चुराता नहीं हूँ, प्लीज यकीन करो मुझ पे, मैं जेवर नहीं चुराए, मैंने सिर्फ पापड़ चुराए हैं मसालेदार। लेकिन यार गोपी मैंने क्या, सर ने भी, हम दोनों ने अपनी आंखों से, खुद की आंखों से, ये पर्सनल आंखों से तुझे चोरी करते हुए देखा। अरे यार इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझ पे यकीन करो, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। हूँ।
मन ने दिखे है इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है। What? वो क्या होता है यार? देखे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक टाइप की बीमारी हो गए, अंग्रेजी बीमारी है बेसिकली, यहाँ पता नहीं भारत में कैसे आ गई यार है। इसमें क्या हो गया है ना कि एक आदमी को जो उसने सवेरे करा होता है शाम तक याद नहीं रहता कि भैया सवेरे क्या करा है, और रात का किया उसको दिन को याद नहीं रहता कि मैंने रात को क्या करा है। ऐसा दिमाग का कुछ प्रॉब्लम वाली बीमारी है। सुन यार एक काम कर, एक डॉक्टर ने बुलवा बढ़िया वाले ने, वो इसका इलाज करेगा, एटलीस्ट चेक करेगा। है जी बेस्ट डॉक्टर को जानता हूँ मैडम मैं, बेस्ट। चाय चाय चाय। अरे तुम कौन हो? ओ लगता है मैडम झल्लू ने नया लड़का रख लिया है चाय के लिए, पहले तो कभी इसे देखा नहीं। वैसे तुम सिर्फ चाय क्यों लाए हो, हमने तो समोसे भी मंगाए थे। अरे बाबूजी आप पहले चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद टी एंड समोसा, ओके? इंग्लिश बोला मैडम? मैडम यही तो बदकिस्मती है आजकल मैडम, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन जॉब ही नहीं मिलते ना मैडम, नौकरी नहीं है इस देश में, लोग ही इतने सारे हैं ना देश में। मैडम इस आदमी को तो सही में कायदे से इंजीनियर होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर चाय बेच रहा है बेचारा। लंच पे चले क्या? अरे जरूर, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कोई कभी मुझे लंच के लिए बुलाए तो मैं जरूर चले। सॉरी सॉरी। कौन है तू? मैं हूँ नूरी, तमन्ना हो गई पूरी। मैं हूँ इनकी नर्स और ये है मेरे डॉक्टर। यो डॉक्टर ना आयो, चाय वाला आयो। अरे मैडम आपने हमारे क्लिनिक पे फोन किया था। ये वही डॉक्टर है। अबे तेरी, अबे इधर आ, रख वापस, रख। थैंक्स। ये डॉक्टर है, यो बुलवाया था ने। एक तू बेस्ट है, एक थारे बुलाए गए लोग बेस्ट हैं। मैं बुलाऊंगा बेस्ट आदमी। ये खुद मल्टीपल पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर वाला प्राणी दिखे है मन्ने, इसको बुलाया है। एक मिनट एक मिनट, आपको डॉक्टर से बात करनी है। वन सेकेंड। चाय चाय चाय। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर दुरंधर, ना जाने क्या क्या है मेरे अंदर। नर्स खूबसूरत है। लंच पे चले क्या? श्योर आई डोंट माइंड। भाई तुम्हारे अंदर जो है वो हमें दिख गया है। तुम्हारे अंदर है मल्टीपल पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर, तुम कैसे करोगे किसी और का इलाज? देखे मैडम, घायल की गत घायल जाने। घायल बलवा ड्राई के कुत्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस रोग का शिकार मैं हूँ तो मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है इस बीमारी को। ऐसा है जिस काम के लिए बुलवाया गया है ना उस पे जरा तवज्जो दे लो यहाँ, वरना यही बांध दूंगी जेल में दोनों का लंच डिनर। पेशेंट कहाँ है? हम बहुत बिजी हैं, फटाफट बुलाइए, काफी अपॉइंटमेंट्स हैं। नर्स खूबसूरत है। लंच पे चले क्या? श्योर। आ जाओ बाहर नाबा गाँव। ये है, इन्हें देख लीजिए हैं, इन्हें याद ना रहता चोरी करके कि मैं चोरी कर बैठा हूँ। मन ने दिखे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तुम बता दो कहीं पूरा पागल तो ना हो गया। ओहो, लेकिन काफी ओल्ड है ये। शट अप। नो प्रॉब्लम, लेकिन मैडम इनका एक्सरे निकलवाना पड़ेगा। नर्स खूबसूरत है, क्यों नूरी? तमन्ना हो गई पूरी। हाँ तो एक्सरे मशीन लाओ। यस। या ये क्या है? ये तो मोबाइल है। ये कोई ऐसा वैसा मोबाइल नहीं है, ये एक्सरे मशीन वाला मोबाइल है। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। या नूरी स्टार्ट। या व्हाट रबिश बेबी। एक्सक्यूज मी, चुप रहिए दादाजी। नूरी सर प्लीज, हेड हेड। या ओके मैडम, देखिए अब जब ये एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी उसे देख के मैं बता सकूंगा कि दादाजी को क्या प्रॉब्लम है। आई, 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 आई। वैसे मैडम इस केस में ऐसा होता है कि इंसान को खुद को पता नहीं होता कि वो खुद क्या कर रहा है।
चाय 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 नंत दू ओके प्लीज मम्मी जी मेरी बात मान जाइए वेल मेरी बात पे कीजिए गौर इज़दा मैं नहीं हूँ चौर इज़दा हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या बुलवाओ जरा गुलगुले उस ललितेश और ललिता ने नहीं 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 मेरे अरे ऐसे कैसे हजार बार समझाया सॉरी भैया तुम लोग तो बड़ा कह रहे हैं हाँ कि चोर को पकड़ लिया है अब अगर चोर को पकड़ लिया है तो फिर ये सब कैसे हो रहा है हाँ लुट गई ललिता ललितपुर में क्योंकि चोर कह रहा है कि वो चोर नहीं है अरे 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 भाई साहब कोई चोर भला खुद ये कहेगा कि हाँ मैं चोर हूँ सुना सुना देखा हमें अपना काम करने दो कानून के काम के बीच में मत आओ समझे ना अब देखो ऐसा है कि गोपी यहाँ पे चौकी में रहेगा पूरी रात मैडम की निगरानी में यानी कि गोपी तो चोरी कर नहीं सकता फिर भी अगर आपका हार चोरी हुआ इसका मतलब है कि चोर कोई और है लेकिन भैया लुट गई ललिता ललितपुर में ये बताओ कि चोर अगर कोई और निकला तो मेरा एक और हार चोरी नहीं हो जाएगा हाँ उसकी चिंता आप मत कीजिए ना इस बार मैं खुद स्वयं और सर भी हम दोनों साथ में चलेंगे आपके उस चोर को पकड़ने के लिए अरे एक मिनट पिछली बार भी आपने यही कहा था गए भी थे लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया भाग गया वो हजार बार समझाया है हाँ तो पिछली बार गलती हो गई सॉरी अरे अच्छा कैसे हो जाता है अच्छा कैसे हो जाता है गलती है अच्छा ए? वो तुम कुछ ज्यादा ही फैल रहे हो आप पुलिस को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि अगर पुलिस को गुस्सा आ गया ना तो पुलिस क्या करती है वो अभी दिखाता हूं तुम्हें मैं मंत्री जी का साला हूं तेरी नौकरी तो गई बेटा तू तो गया अरे अरे सुनिए हेलो मुझे पता नहीं अरे आप मुझे पता ही नहीं अरे अरे जैसा कह रहे हैं वैसा करो ना यार तुम सवाल इतने पूछते हो फालतू में वो आ जाएंगे तुम जाओ अब वो कहीं वापस नहीं आ जाए जाओ 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 और बार समझाया चलो यहां से मम्मी जी चाय पीने को दिल कर रहा है जी तो मैं अदरक घिसू हैं इलायची कूटू मैं पानी उबालू चाय बनाऊ थारे लिए नहीं जी बस चाय पीनी थी जी बाहर निकल थर्मस में रखिए खुद भी ले और मन्ने भी दे थोड़ी सी थैंक यू ती चाय पियो जी